हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने किस बारे में पढ़ा था? कल अपन ने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि सब ग्रुप क्या होता है। अपना जो यूनिट फर्स्ट चल रहा था उसमें जो पहले अपन ने ग्रुप के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, फिर अपन ने सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सब ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी जो रहती है अपनी एच जी का कोई उप समुच्चय है, सब ग्रुप है, तो उसकी पहली प्रॉपर्टी रहती है एच का जो तत्समक होता है वो वही अवयव होता है जो जी का तत्समक होता है। यानी कौन सा अवयव रहता है? जो अवयव एच का तत्समक, एच का जो तत्समक होगा वही क्या होगा? जी का, जी के अंदर जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही किस में रहेगा? अपना एच में रहेगा। एच में कोई अवयव ए है उसका इनवर्स निकालना है। किसी अवयव ए का क्या निकालना है? अपने को प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो ए का जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा? वो एलिमेंट होगा जो इसके जी के अंदर उस एलिमेंट का क्या होगा? प्रतिलोम में होगा। ए का प्रतिलोम जी में जो रहता है वही किस में रहता है? अपना ए में रहता, यहाँ पे एच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या रहता है? अपना एच के किसी अवयव ए की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए जो एच में रहता है जो वो वही होता है जो जी के अंदर ऑर्डर ऑफ ए होता है। यानी जी के अंदर ए की कोटि और एच में ए की कोटि हमेशा कैसी रहती है? अपनी बराबर है रहती है। ठीक है, तो अपन इन थ्योरम्स के क्या देखते हैं? अपन प्रूफ देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ हो सकता है, ये किस प्रकार से सिद्ध हो सकती है। तो इसमें देखेंगे, अपन सभी जानते हैं एच क्या है? जी का एक सब ग्रुप है। तो इसके प्रूफ में अपन देखेंगे एच जी का उपसमूह है। अपने को क्या दिखाना है? दोनों के तत्समक अवयव को समान दिखाना है। क्या दिखाना है अपने को? दोनों के तत्समक अवयव को कैसा दिखाना है? इक्वल दिखाना है, समान दिखाना है। तो मैं ऐसा मान लेती हूँ, माना एच का, एच वह जी का तत्समक अवयव है, एच वह जी का तत्समक अवयव क्रमश है ई तथा ई डैश है। मैंने क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया कि एच का जो तत्समक अवयव है वो तो क्या है? ई है। और जी का जो तत्समक अवयव है वो क्या है? मेरा ई डैश है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे E बराबर ई डैश प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ क्या करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों का समान सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले मैं H में A बिलोंग्स टू H के लिए मैं क्या लिखूंगी? डेफिनेशन लिखूंगी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो अपन जानते हैं A E बराबर E A बराबर में क्या आता है? ए आता है। यही अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या रहती है? ए ई बराबर ई ए बराबर में भी क्या रहता है? अपन ए यहाँ पर आता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है, ए अगर एच में है तो ए जी में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एच जो रहता है वो अपना क्या रहता है? जी का सबसेट रहता है। ए बिलोंग्स टू एच, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बिलोंग्स टू जी, ये लिख सकती हूँ। ये किस लिए लिख सकती हूँ? ये ऐसे लिख सकती हूँ चूँकि एच जो है वो सबसेट है किसका? जी का। ठीक है, तो एच का एवरी एलिमेंट किस में होगा? जी में होगा। सबसेट होने का यही सेंस रहता है कि एच का जो प्रत्येक अवयव होता है वो किस में रहता है? जी में होता है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू जी। अब मैं ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या लगाऊंगी? आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाऊंगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए ई डैश बराबर ई डैश ए बराबर ए। देखिए, अपने एच के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई माना है,
जी के लिए मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश माना है, तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पे डेफिनेशन लगाई। पहले मैंने ए बिलोंग्स टू एच लिया, तब मेरा ई लिया मैंने यहाँ पे, और जब मैं ए बिलोंग्स टू जी ले रही हूँ तब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या यूज़ कर रही हूँ, ई डैश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर एक नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे दूँ। इक्वेशन वन एंड टू से समीकरण एक व दो से क्या लिख सकती हूँ मैं, ए ई बराबर ए ई डैश। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो मेरी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ए ई बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ए ई डैश ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगा देती हूँ, निरसन नियम, और वो भी कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, वाम निरसन नियम। अगर मैं यहाँ पे वाम निरसन नियम लगाऊं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई बराबर ई डैश आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब अपना आइडेंटिटी एलिमेंट जो रहता है वो दोनों के लिए कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब इसके अपन सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या रहता है, सेकंड स्टेटमेंट इनवर्स के लिए रहता है, देखते हैं क्या लगाते हैं। सेकंड ये रहता है एच के किसी अवयव, एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम, प्रतिलोम वही है जो जी में ए का प्रतिलोम है, जी में जो एक का प्रतिलोम होता है वही क्या रहता है, एच में। ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखेंगे इस प्रूफ में क्या रहता है अपना। मैंने मान लिया यहाँ पे, पहले मैंने यहाँ पे मान के चल रही हूँ, माना ए बिलोंग्स टू एच के लिए एच व जी में प्रतिलोम, दोनों डिफरेंट मान लेते हैं, दोनों अलग अलग मान लेते हैं, एच व जी में प्रतिलोम इनवर्स क्या मान लेते हैं, बी व सी है। क्या मान लेते हैं, बी व सी है, मतलब मैं ए का अगर एच में इनवर्स देखूं तब तो मेरा क्या रहेगा, बी रहेगा। क्रमशः लिख लेते हैं साथ में, क्रमशः बी व सी है। एच का ए में, सॉरी ए का एच में मैं प्रतिलोम देखती हूँ तो बी है, और ए का मैं जी में प्रतिलोम देखती हूँ तो मेरा क्या है, सी है। ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, पहले मैं ए बिलोंग्स टू एच के लिए अगर ए बिलोंग्स टू एच के लिए अगर मैं प्रतिलोम की क्या लगाती हूँ, डेफिनेशन लगाती हूँ, प्रतिलोम की परिभाषा लगाती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ ए बी बराबर बी ए बराबर ई, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर ई, यही होता है ना इनवर्स का जो डेफिनेशन रहता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन नाम दे देती हूँ। ये मैंने कहाँ से लिखा है, प्रतिलोम की परिभाषा से लिखा है। अब अगर मैं ए बिलोंग्स टू एच तो अपना है ही, तो ए बिलोंग्स टू जी भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि एच जो रहता है वो अपना जी का सबसेट रहता है, इसीलिए अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए जी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू जी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मेरे जी के अंदर ए का प्रतिलोम क्या है, सी है ना, तो मैं ये लिखूँगी ए सी इक्वल्स टू सी ए बराबर ई, यही आएगा। और अपन जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो दोनों के लिए कैसे रहते हैं। अभी अपन ने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा रहता है अपना, इक्वल रहता है। एच का और जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो इसी से क्या, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इनकी क्या रह जाएगी, इक्वल हो जाएगी,
समीकरण एक व दो से। अपन जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं चाहे एच के लिए ले हो चाहे जी के। एच और जी का जो तत्समक अवयव होता है वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ए बी बराबर ए सी, ये लिख सकती हूँ ए बी बराबर ए सी। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये ए बी बराबर ए सी लिख दिया। अब वापस इसमें क्या लगा देते हैं अपन, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम अगर मैं लगाऊं तो मेरा क्या आता है यहाँ पे, वाम निरसन नियम अगर मैं लगाऊंगी तो मेरा कितना क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सी। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, बी इक्वल्स टू सी प्रूफ करना था। बी इक्वल्स टू सी इन द सेंस जी का बी, बी क्या था ए का एच में प्रतिलोम था और सी क्या था ए का जी में प्रतिलोम था। तो मुझे क्या करना था, मुझे ये बताने है कि दोनों का प्रतिलोम जो होता है दोनों सेट्स में, चाहे एच में ले चाहे जी में ले, दोनों ए का जो प्रतिलोम होता है वो दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। यानी मुझे बी इक्वल्स टू सी प्रूफ करना था और ये अपन ने प्रूफ कर दिया। पहले क्या लगाएंगे अपन, एच में प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे, प्रतिलोम अपन ने यहाँ पे बी माना है। फिर अपन क्या लेंगे जी, ए की जी में जो प्रतिलोम की परिभाषा है उसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ए का जी में प्रतिलोम क्या लिया है, मैंने सी लिया है तो मैंने ये लगा दिया और अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। और फिर इसमें अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के क्या प्रूफ करेंगे, बी इक्वल्स टू सी यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसे देखते हैं। उसमें क्या क्या प्रूफ करना था, वो था अपने ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में था, ऑर्डर, ऑर्डर देखते हैं अपन। ऑर्डर के बारे में अपन पीछे भी बहुत सारी थ्योरम्स को किया है। तो इसमें देखो ऑर्डर के बारे में जो अपना रहता है थर्ड जो है, एच के किसी अवयव ए की कोटि वही है जो जी में ए की कोटि है। मतलब दोनों सेट्स, दोनों जो अपने सब ग्रुप ग्रुप जो चाहे एच ग्रुप ले लो चाहे जी ग्रुप ले लो, दोनों में इस अवयव ए की कोटि कैसे कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रूफ देखिए अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके प्रूफ में देखेंगे एच के किसी अवयव ए की कोटि वही है जो जी में ए की कोटि है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, माना एच व जी में ए की कोटि क्रमशः एम व एन है। क्या ले लेती हूँ, एच में मैं ए की कोटि एम ले लेती हूँ और जी में मैं ए की कोटि क्या ले लेती हूँ, एन ले लेती हूँ। ठीक है, एम व एन है। तो अगर ए बिलोंग्स टू जी है और ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी ए पहले एच में लेके चलना है और ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ ए एच के अंदर कितना है, एम है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए की घात एम इक्वल्स टू ई, ये मैं लिख सकती हूँ। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने किसी भी अवयव के ऑर्डर की डेफिनेशन से लिखा है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन रहता है, तो ये उसकी डेफिनेशन से लिखा है। नेक्स्ट इसके अंदर ए अगर एच में बिलोंग करता है तो ए जी में भी बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पीछे में दो थ्योरम्स में आपको इस चीज़ का रीज़न बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, इसमें एन रहेगा। देखो जी में ए की कोटि कितनी है, एन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहली लाइन में ये चीज़ आपको मेंशन की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए एन इक्वल्स टू ई, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैं इक्वेशन नंबर टू नाम दे दो। मैं इधर क्या करती हूँ, इक्वेशन वन एंड टू से देखो इनकी राइट हैंड साइड कैसी है, अपनी इक्वल है। राइट हैंड साइड देखिए, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। अपने को क्या करना है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे।
अब अपने को पता है ए एन इसमें बिलोंग करता है, मुझे उस साइड में क्या बनाना है, ई बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ ऑपरेट करा देती हूँ ए की घात माइनस एन। क्या कराती हूँ, दोनों तरफ ए की घात माइनस एन में ऑपरेट कराती हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना इसमें दिक्कत। दोनों तरफ अपने को क्या ऑपरेट कराना है, ए की घात माइनस एन ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो उससे देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए की घात एम माइनस एन, ये बन गया, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए की घात ज़ीरो। अब अपने को पता है ये कैसी रहती, बेस दोनों समान है तो घाते भी क्या रहेगी अपनी, इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एम माइनस एन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये चीज़ लिख सकती हूँ। और यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, एम इक्वल्स टू एन, ये आ जाएगा। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, एम इक्वल्स टू एन आ जाएगा ना, आगे कि नहीं आ गया था। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या लेके चली थी, मुझे यहाँ पे एच के किसी अवयव ए की कोटि वही सिद्ध करनी थी, तो जी में ए की कोटि है। तो उसके लिए अपना क्या रहता है, पहले मैं क्या क्या लेके चली, दोनों में इनका ए का ऑर्डर मान के चली। मैंने एच में ए का ऑर्डर माना एम, और मैंने जी में ए का ऑर्डर माना एन। तो फिर मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन से यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, फर्स्ट जो अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, एम रहेगा। मैंने यहाँ पे ये चीज़ निकली, तो यह डेफिनेशन से लिखा है ए एम इक्वल्स टू ई, इसको ही मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। सेकंड जो रहा, मैंने ए अगर एच में बिलोंग करता है तो ए जी में बिलोंग करता है, क्योंकि ये एच जो रहता है वो किसका सबसेट लेते हैं अपन, एच यहाँ पे सबसेट रहता है किसका, जी का। तो अपन ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं ए जी में लेके चलूँ तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा, मेरा एन आएगा। और मुझे इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लगा दी, ए एन इक्वल्स टू ई, डेफिनेशन लगा दी। समीकरण एक और दो से जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर, फिर मैंने दोनों तरफ क्या ऑपरेट कराया, ए की पावर माइनस एन मैंने दोनों तरफ यहाँ पर ऑपरेट कराया। तो ये बना ए की पावर एम माइनस एन और ये बना ज़ीरो। इन दोनों का अगर बेस इक्वल है तो इनकी घातें भी कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो एम माइनस एन इक्वल्स टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये आ गया यहाँ पर एम इक्वल्स टू एन, यही अपने को प्रूव करनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी सब ग्रुप के बारे में, आगे अपन सब ग्रुप के कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।